गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, मशीन इनपुट का पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोग को 4 पार्ट पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना, ठीक है। इन चारों क्लास के बेस पर ये क्या है, आज ये क्लास है, ठीक है। कैसे बेस पे क्लास है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, बेसिक किया था, उसके बाद हम एक एक लेवल ऊपर उठे थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हाई लेवल करने वाले। तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो हाई लेवल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए पहले जाकर इन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को आज की क्लास बेहतर समझ आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के सामने इनपुट है, उसके 5 स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। इनपुट क्या लिखा हुआ है, रेपो, फिर लिखा है बैंक, उसके बाद 64, 9, ठीक है, फॉरेक्स 27, 27, 4, 4, लिक्विडिटी 16, रेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में इसने क्या किया है, ये रेपो था, ये बैंक था, ये 64 था, ये 9, ये फॉरेक्स, और क्या, ये अलग अलग है ना भाई, ये 64 अलग है, 9 अलग है, एफ, उसके बाद 27, 4, लिक्विडिटी 16, ये अलग है, ठीक है, और ये रेट। अब यहाँ पे कैसे देख सकते हैं हम, सबसे पहले इसने पहला स्टेप पे क्या कर लिया, पहला स्टेप जब ये बना रहा है तो इसने रेपो था सबसे पहले, तो रेपो आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्या लिख दिया, लिक्विडिटी लिख दिया, ठीक है। अभी सबसे पहले लेटर में क्या आ गया, एल आ गया, उसके बाद क्या आया, रेपो बैंक, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया, 64 वैसा ही लिख दिया, 9 वैसा ही लिख दिया पहले स्टेप में, फिर फॉरेक्स, फिर आना था फॉरेक्स के बाद 27 है क्या, नहीं, 27 को कहाँ लेके गया, वो पहले स्टेप में लास्ट पे लेके गया, 27 आ गया लास्ट पे, और बाकी सब बीच के ऐसे ही रह गए, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, लेटर अरेंज हो रहा है और नंबर अरेंज हो रहा है, ठीक है। एक इधर आया और ये 27 इधर आ गया, ठीक है। मतलब लेटर में सबसे पहले एल आया और नंबर में सबसे पहले 27 आया, ठीक है भाई। उसके बाद लिक्विडिटी दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं, लिक्विडिटी के पहले कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कैसे चल रहा है स्टेप हमारा, एक यहाँ पे आया उसके पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं, फॉरेक्स के पहले रेपो है, मतलब इसके पहले 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, 1, 2, 3 ऐसे इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और नंबर्स पर अगर मैं देखूँ, 27 है दूसरे स्टेप में, इसके पहले 64 आ गया, मतलब कैसा चल रहा है हमारा, हम कैसे बना रहे हैं, ये पहला स्टेप इस तरफ जाएंगे, दूसरा इस तरफ जाएंगे, तीसरा वैसे ही नंबर में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, हमें क्या करना है, अपने बाएं साइड पे हमें लिखने जाना है, नंबर को भी और लेटर को भी, अपने लेफ्ट साइड पे या फिर बाएं साइड पे हमें लिखना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एल लिया, उसके पहले क्या ले लिया इसने, एफ ले लिया, ठीक है। तो एल के बाद हमने किसको लिया, एफ को लिया, ठीक है। और लास्ट पे क्या ले लिया, 27 के पहले 64 ले लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे मैं देख सकती हूँ, रेपो लिया इसने, मतलब रेपो ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिया इसने तीसरे स्टेप पे, 27, 64, उसके पहले क्या है, 4, ठीक है। चौथे स्टेप पर क्या किया इसने, बैंक लिया, बी लिख लिया मैंने, और क्या लिया इसने बैंक के बाद, लास्ट पे क्या लिया, 27 लिया, उसके बाद 64, उसके बाद 4, उसके बाद 9 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिया इसने, रेट ले लिया, ठीक है, ये रेट है और ये रेपो है, ठीक है, रेपो है ये और ये क्या है, रेट है। उसके बाद इसने लास्ट पे क्या ले लिया नंबर पे, 27, 64, 4, 9, उसके बाद 16, ठीक है। तो मतलब क्या ले रहा है, ये लेटर ले रहा है एल एफ, उसके बाद रेपो, फिर बैंक, फिर रेट, ठीक है। और नंबर पे क्या ले रहा है वो, 27, 64, 4, 9, 16, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, नंबर को, ठीक है। तो चलिए नंबर को चेक करते हैं, नंबर को हम लिख लेते हैं सबसे पहले 27, फिर 64, फिर 4, फिर 9, फिर 16 इसने लिया, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर में आएंगे हम, क्या देखेंगे, असेंडिंग है क्या, असेंडिंग मतलब 4, 9, 16, 27, 64 ऐसे आना चाहिए था, छोटे से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं, पहले तो इसने 27 लिख दिया तो असेंडिंग चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या आना चाहिए था, 64, 27, 16, 9, 4 ऐसे चल रहा है क्या,
बिल्कुल नहीं, पहले तो 27 लिया है, 64 लिया है क्या? नहीं तो ये भी नहीं चल रहा, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं चल रहा। अभी क्या करेंगे हम, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया नंबर में, अब ऑड और इवन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑड और इवन चेक कर लेते हैं, क्या था 27, 64, 4, 9, 16। ठीक है, लास्ट स्टेप से देख के मैंने ये लिख लिया। अब क्या होगा, ऑड इवन चेक करेंगे। ऑड कौन कौन सा, ये है ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है, ये क्या है इवन मतलब सम संख्या, ठीक है, ये इवन, ये इवन, ये ऑड। ठीक है, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले या तो ऑड आना चाहिए, तो 27 आ गया, उसके बाद ऑड आना चाहिए था तो है क्या, नहीं, तो हम मान लेते हैं हो सकता है ऑड इवन ले, फिर ऑड इवन ले, पर ऐसे लिया है क्या ऑड इवन के बाद, तो इवन ऑड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब इवन लेता तो इवन में सबसे बड़ा लिया है क्या 64, उसके बाद 16 आना चाहिए था, लिया है कैसे, नहीं, मतलब ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा है। ना ही इसमें मुझे दिखा असेंडिंग ऑर्डर, ना ही मुझे दिखा इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों नहीं दिखे, ना ही ऑड दिखा, ना ही इवन दिखा। ठीक है, ऑड इवन भी नहीं दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं नंबर के एडिशन को लिया है कैसे। मैंने बताया था आपको नंबर के एडिशन भी हो सकते हैं, ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। तो देखते हैं 7, 2, 9, 6, 4, 10, ये 4, ये 9 और ये 7, ठीक, 5, 5 के बाद 1 और 0 को भी ऐड कर देंगे तो 1 हो गया, 5 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया। इसमें भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक, असेंडिंग लेता तो पहले क्या आ जाता, 1 आ जाता, पर 1 है क्या, नहीं, तो नहीं चल रहा। डिसेंडिंग चल रहा है क्या, नहीं, 9 तो लास्ट पे है, इधर पे सेकंड लास्ट पे, तो नहीं। ऑड इवन चल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये 2 तो ऑड हैं, फिर 1 इवन ला दिया, फिर 2 ऑड ला दिया, बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्या चल रहा है इसमें, अब मैं क्या देख सकती हूँ, मैंने देखा 27, 64, फिर आया 4, फिर 9, फिर 16। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकती हूँ 16 आपको किसी का स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, 4 का स्क्वायर। 3 आपको क्या दिख रहा है, 9 आपको 3 का स्क्वायर दिख रहा है। 4 आपको क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर, पर 27 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, क्यूब जरूर है, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 * 9, 9 * 27, ठीक है, ये क्या है, इसका क्यूब है। अब ये तो हो गया 3 का क्यूब, अब ये 8 का स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये 4 का क्यूब, ठीक है, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और 4 का क्यूब भी 64 होता है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये क्या हुआ 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, और ये क्या हो सकता है 8 का स्क्वायर या तो 4 का क्यूब, ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब हम क्या देखेंगे इसने अरेंज कैसे किया, ठीक है, अरेंज कैसे किया देखते हैं। अब हम अरेंज कैसे किया इसने, सबसे पहले लिखा इसने 27 को, ठीक है, फिर 64 को, फिर 4 को, फिर 9 को, फिर 16 को, ठीक है, ऐसे ही इसने अरेंज किया। तो सबसे पहले इसने 27 लिखा, मतलब 3 का क्यूब लिख दिया, ठीक है, इसके बाद ये 2 का स्क्वायर लिखा, ये 3 का स्क्वायर लिखा, ये 4 का स्क्वायर लिखा। अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जब इसने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर क्या लिख दिया इसने, असेंडिंग ऑर्डर पे लिख दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले दूँगी तो ये क्या होगा, कुछ पैटर्न बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ पे मुझे पैटर्न दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 3 का क्यूब आ गया, फिर ये 8 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, ये नहीं समझ आया, ठीक है, क्यों नहीं समझ आया, बीच में 8 आ गया, ये 8 अगर लास्ट में होता तब मुझे समझ में आता कि हाँ 8 लास्ट में है, मतलब ये चल सकता है, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, समझ में आ गई बात, क्यों नहीं चलेगा ये, क्योंकि 8 क्या है, बीच में है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसे ले दूँ 4 का क्यूब, तब जमेगा, जमेगा क्या, बिल्कुल जमेगा, क्यों जमेगा, ये 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, मतलब इसने क्या किया, पहले क्यूब ले लिया, फिर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, पहले घन वाले को ले लिया, फिर क्या ले लिया इसने, वर्ग वाले को ले लिया, ठीक है, पहले 3 फिर 4, वो भी किस में लिया इसने, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4 वर्ग वाले को ले लिया, स्क्वायर वाले को, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, आई बात समझ में। 27, 64 फिर क्या किया, 4 फिर 9 फिर 16, ये 3 का क्यूब ले लिया, ये 4 का क्यूब, इसने पहले क्यूब ले लिए, ठीक है, इसने पहले क्यूब ले लिए, वो भी किस में,
असेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या किया इसने, स्क्वायर ले लिया, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, स्क्वायर ले लिया, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले हमें क्यूब लेना है बढ़ते क्रम में, और फिर वर्ग लेना है बढ़ते क्रम में, ठीक है। घन और वर्ग लेना है हमें बढ़ते क्रम में, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब सबसे पहले इसको देख के मैं क्या समझूंगी, सबसे पहले अगर नंबर दिखा तो हम क्या चेक करेंगे, असेंडिंग, ठीक। नंबर दिख गया कहीं पे तो हम क्या चेक करेंगे, असेंडिंग है क्या, नहीं होगा तो डिसेंडिंग है क्या, नहीं होगा तो ऑड है क्या, नहीं होगा तो इवन है क्या, नहीं होगा तो उन नंबर्स का एडिशन है क्या, नहीं होगा तो क्यूब है क्या, नहीं होगा तो स्क्वायर है क्या, ठीक। इतना हमें चेक कर लेना है नंबर पे, ठीक है। ये पैटर्न हो सकते हैं। अब क्या करेंगे हम चेक करते हैं अब अपने लेटर्स को, ठीक है। लेटर्स में सबसे पहले था लिक्विडिटी, आप देख सकते हैं इनपुट पे, फिर था फॉरेक्स, फिर था रेपो रेट, उसके बाद था बैंक, उसके बाद था रेट, रेपो फिर बैंक फिर रेट, ठीक है। अब मैं क्या देखूँगी लेटर में, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। ये 12, ये 6, ये 18 आर का, और ये भी आर का 18, ये बी का 2, ठीक है। तो इसमें मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 2, 6, 12, 18 ऐसा रहता तो क्या आता, ये असेंडिंग। डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट आ जाता, पर है क्या वैसा, बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग नहीं लेटर पे, तो अब हम क्या चेक करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल है क्या यहाँ पे, वोवेल तो है ही नहीं, तो वोवेल का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। कॉन्सोनेंट तो वही कॉन्सोनेंट भी असेंडिंग डिसेंडिंग होना चाहिए, है क्या, नहीं, मतलब वोवेल कॉन्सोनेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। अब हम क्या देखेंगे, ऑड और इवन, इनकी प्लेस वैल्यू ऑड इवन के हिसाब से है क्या, ऑड तो है ही नहीं, तो ये भी मतलब नहीं उठता। इवन है वो भी क्या है, किसी ऑर्डर पे नहीं है, ठीक है। न असेंडिंग है, न डिसेंडिंग है, न ऑड है, न इवन है, न वोवेल है, न कॉन्सोनेंट है, तो हो क्या सकता है। ये 4-5 तो मैंने देख के लिए चेक कर लिए, अब ये 4-5 नहीं है तो मेरा दिमाग कहाँ चलेगा, मतलब क्या है, ये एल है, ये एफ है, ये रेपो है, ये बैंक है, और ये रेट है। स्टार्टिंग वाले से तो कुछ है ही नहीं। अब मैंने बोला था कि हो सकता है लास्ट लेटर से कुछ हो, अब हम क्या करते हैं, लास्ट लेटर पे चेक करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी में लास्ट क्या है, वाई है। रेपो में लास्ट क्या है, ओ है। बैंक में लास्ट क्या है, एक मिनट, लिक्विडिटी में लास्ट क्या है, वाई है। फॉरेक्स में क्या है, हम लास्ट से जमा, जैसे जमा हुआ है हम वैसे ही लिखते हैं, फिर हमें पैटर्न क्या होगा जल्दी समझ आएगा, वाई है। फॉरेक्स में एक्स है, रेपो में ओ है, बैंक में के है, रेट में ई है। ये मैंने किससे देख लिया, 5वें स्टेप से, मैंने जैसे जमा हुआ था लिक्विडिटी फॉरेक्स ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। पहले स्टेप में से पहले लिक्विडिटी, दूसरे स्टेप में जमा हमारा फॉरेक्स, तीसरे में क्या जमा रेपो, चौथे में बैंक, और 5वें में रेट, ठीक है। ये मैंने लिख लिया 5 को। अब क्या करेंगे, y मतलब 25, x मतलब 24, o मतलब 15, k मतलब 11, e मतलब 5। अब तो ये देखते ही समझ आ गया, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में मुझे दिख रहा है, मतलब इसने क्या किया है, लास्ट लेटर का क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से घटते क्रम में इसने लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया डायरेक्ट लास्ट लेटर से। अब क्या समझ आया, सबसे पहले अगर मुझे कहीं पे लेटर दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले लेटर से हम क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग चेक करेंगे, वोवेल कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, और ऑड इवन चेक कर लेंगे, ठीक है। इनका कोई पैटर्न तो नहीं चल रहा है। अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर की तरफ जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ, इनमें कुछ भी नहीं मिला, तो हम लास्ट लेटर की तरफ जाएंगे। लास्ट लेटर में भी हम क्या चेक करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ पे तो असेंडिंग डिसेंडिंग मिल गया मुझे। अगर ये ना होता तो हम क्या करते, वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक करते, लास्ट पे ऑड और इवन चेक करते, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब क्या सीखा मैंने इसे, लेटर मिला, नंबर मिला, लेटर मिला मुझे कैसे, लास्ट लेटर का घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर क्या मिला मुझे, पहले क्यूब लेना है, फिर स्क्वायर लेना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, मैंने सिर्फ इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने स्टेप बनेंगे, ठीक है, इसमें
चौथा स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, दूसरे स्टेप में राइट साइड से पांचवा लेटर कौन सा होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, पहले स्टेप में राइट से इतना लेफ्ट से इतने का डिफरेंस कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए। अब हम सिर्फ इनपुट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट आप देख सकते क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का क्या आ गया, एच आ गया। फिर क्या लिखा है इसने, 125। ठीक है, इंग्लिश का मैंने लिख लिया एच और इसका मैंने लिख लिया 125। ठीक है, फिर लिखा इसने बायो का ओ और 81। ठीक, फिर इसने लिखा मैथ्स का एस 849। ठीक है, रीजनिंग का जी ये 36। ये क्या ये आई हिंदी। ठीक है, अब लेटर कैसे आएगा, सबसे पहला ये आ गया, मैं इसे लिख लेती हूँ ई 125, 81 बायो, ठीक, बी मैथ्स का एम 849, रीजनिंग 36, हिंदी। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू है 8, लेटर में 8, 15, 19, 7, 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटते क्रम में लिखना, मतलब पहले क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर कौन सा आएगा, एस। एस किसके लास्ट में, मैथ्स के, मतलब पहले पे क्या आएगा, मैथ्स आएगा हमारा सबसे पहले पे। ठीक है, मैथ्स क्या आएगा सबसे पहले पे, एक मिनट हम इसे एक बार क्या कर लेते हैं, नंबर्स को हटा देते हैं और इसे भी एक बार हटा के लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा मेरा, पहले स्टेप में आएगा मैथ्स का एम। ठीक है, एस आना चाहिए था सबसे पहले, तो क्या आ गया, एम। अब मुझे क्या लेना है, 125, 81। 125 किसका है, 5 का क्यूब है, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, मतलब क्यूब मुझे दो ही दिख रहे हैं, 8 और 125। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 8 और 125 में क्या करूँगी, जो क्या है सबसे छोटा है वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे छोटे वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, एम हो गया और 8 हो गया, बचा क्या, ई 125, 81 बी 49 आर 36 एच और ये 8। ठीक है, ये इतना आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करूँगी मैं, एम था मैथ्स, मैथ्स था तो एस के पहले क्या आ जाएगा, इंग्लिश का एच, बायो का ओ, एस तो हो चुका है, रीजनिंग का जी, हिंदी का आई। अब क्या आ जाएगा, 19 हो गया था, 19 के बाद क्या आ जाएगा, 15 मतलब ओ आ गया। ठीक है, ओ किसका है, बायो का, मतलब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मतलब बी भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों तो हो गए, अब क्या बचे, इधर से क्या करेंगे, 8 के पहले क्या आएगा, 8 के पहले 125 आ जाएगा। ठीक है, 8 के पहले क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, मतलब 125 भी हो गया, तो बचा क्या, ई 81 49 आर 36 एच, उसके बाद 125 और ये 8। ठीक है, दो स्टेप बन गए। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जब तीसरा स्टेप बनाएंगे तो ये हो गया, बचा क्या, ई आर एच। ठीक है, इंग्लिश का एच आ गया, रीजनिंग का जी आ गया, हिंदी का आई आ गया। अब बड़ा कौन सा है, 9। ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, तो बड़ा कौन सा है, 9 मतलब आई, तो आई बी एम, आई का क्या आ जाएगा, हिंदी का एच। ठीक है, हिंदी का था एच, तो एच बी एम आ गया। ठीक है भैया, एच बी एम लिख लिए, अब क्या बच्चा, एच बी लिखा गया। ठीक, और लास्ट में क्या रहेगा, 8 और 125 तो है ही, 8 और 125 हो गए, अब किसका पारी आएगा, स्क्वायर का, तो 9 का स्क्वायर पहले आएगा कि 7 का कि 6 का, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 6 का आएगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो 36 आ जाएगा, 36 भी लिखा गया, तो ये क्या बचेगा, ई 81 49 आर और ये 36 125 और 8। ठीक है, ये तीसरा स्टेप बन गया। अब चौथे स्टेप पे क्या करेंगे, एच बी एम हो गया है, अब क्या बचा, आर और ई, आर और ई मतलब इंग्लिश का एच आ गया, लास्ट लेटर रीजनिंग का जी आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, एच आएगा इंग्लिश का। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच का क्या है, 8 है प्लेस वैल्यू और जी का 7 है, एच आएगा, एच किसके लास्ट में, इंग्लिश के, तो क्या आ गया, ई, ई एच बी एम। ठीक है, ई भी आ गया, और इधर क्या बचा मेरा,
अब क्या आएगा 36 के बाद 49, ठीक है, तो बचा क्या 81 आर और ये 49, 36, 125 और ये आर, ठीक है, ये इसका है। अब लिखेंगे हम पांचवा स्टेप, ठीक है, पांचवा स्टेप क्या बोलेगा हमें, बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे ई के पहले क्या बचा, अब आर, आर ई एच बी एम, ठीक ये लिखा गया, और इसमें क्या बचा हमारा 89, फिर 49, फिर 81, 49, 36, फिर 125, फिर आर, ठीक इस नहीं है तो मैं इसे नहीं लिख रही हूँ, इसका 125 इसका भी है और 125 से इसका भी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है, हमने देख लिया कि किस किस स्टेप से हो सकते हैं, लेटर किस स्टेप से आ सकते हैं, नंबर किस स्टेप से। अब इसमें पूछा जाएगा कि कितने स्टेप्स की ज़रूरत है हमें इस इनपुट को सॉल्व करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अगर पूछ लिया कि बताओ दूसरे स्टेप में थर्ड से कौन सा लेटर आएगा, कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड से लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ इसे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इनपुट सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, आज की क्लास से हमने क्या सीख लिया, लेटर और नंबर को जानना सीख लिया, ठीक है। मैंने जो 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 बताया आप लोग को उसे आप कॉपी में नोट कर लेना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑड इवन एडिशन स्क्वायर क्यूब, ठीक है, इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग वोवेल कॉन्सोनेंट ऑड इवन जो जो भी रहते हैं, ठीक है, आप उसे लिख लेना, लास्ट लेटर से और स्टार्टिंग से भी दोनों हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। मशीन इनपुट का आज हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हो सकता है 2 से 3 पार्ट मैं और बनाऊं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे 2-3 पैटर्न बचे हुए हैं, उसे भी हम सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। इसके आगे आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग कोई सी भी दूसरी क्लास देखो, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, 2-3 क्लास और लूँगी मैं, इसके बाद जितने भी पैटर्न बचे हुए हम उसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।